तो हमारी मॉर्निंग होती है खूबसूरत मौसम के साथ, जो कि रात से ही कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है, और उसके चलते मौसम जो है काफी ठंडा हो रखा है। और अभी हमें सोने का ही मन कर रहा था, तो मैं आज जगा 6 बजे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। आफ्टर फ्रेश होने के बाद और अपना मेडिटेशन और पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं अपने रूम में, और हम सर्च करते हैं एक नोट्स की, उन्हें कोई खाली कॉपी मिल जाए, क्योंकि हम सोच रहे थे केस स्टडी कंप्लीट की कहाँ प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे पास कोई कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। तो किसी कॉपी में पेज बचा होगा तो उसी पे मैं केस स्टडी प्रैक्टिस कर लूँगा। तो आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ में रिवीजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट और ऑडिटर्स का हम पहले किए थे रिवीजन, बट आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम खत्म करेंगे और साथ में ऑडिट एंड ऑडिटर्स का भी एक बार रिव्यू करेंगे। आफ्टर दैट हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। मेरा रिवीजन 1 घंटे के करीब कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और मैंने ब्रेकफास्ट में रोटी और भुजिया और हलवा खाया। 15-20 मिनट टहलने के बाद हम फिर अपने रूम में आते हैं और फिर अपना जो रिवीजन किया था मैं उसके रिगार्डिंग केस स्टडी सॉल्व करने लगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग। तो आज हमने सिर्फ 3 ही केस स्टडी को सॉल्व किया, क्योंकि हमें आज करने थे इनकम टैक्स के। अभी मेरा इनकम टैक्स को लेकर थोड़ा मैं ज़्यादा सीरियस हूँ और इनकम टैक्स में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं कंपनी को आज कम ही करूँगा, और टाइम पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं यार। टाइम अभी 11 बजने को थे उस समय, तो मैं सोच रहा था बाकी टाइम इतना जल्दी कैसे बीत रहा है। सो मैं 11 बजे तक केस स्टडी को ख़त्म करने के बाद मैं इनकम टैक्स को स्टार्ट करता हूँ। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने केस स्टडी जो सॉल्व किया वो स्कैनर से ही किया। अभी स्कैनर्स को मतलब अभी इनकम टैक्स के वजह से मैं थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बट बाकी स्कैनर को अच्छे से पूरा कंप्लीट करने का मेरा है। आफ्टर दैट मैं अपने टेबल को क्लीन करता हूँ। क्लीन बोले तो मैं कंपनी लॉ की जितनी मटेरियल्स थी उसको हटाया और इनकम टैक्स की मटेरियल को लाया, क्योंकि अभी हमें करने हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स करने से पहले मुझे अभी कर रहे थे लेक्चर्स देखने हैं, तो मैं सैलरी हेड की लेक्चर्स को डिटेल में देख रहा हूँ और डिटेल में देखने में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो मैं अभी इनकम टैक्स की लेक्चर्स मेरे बचे हुए हैं तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। आज टारगेट है सैलरी हेड को कंप्लीट करना, बट देखो कितना हो पाता है। और बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा था, इस वजह से मुझे दोपहर में 1 बजे करीब मुझे सोने का मन कर रहा था, बट मैं सोया नहीं यार, मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने थे, तो आज मैं सोता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोता। फिर हमारे पड़ोसी आ जाते हैं और बोलते हैं कि यार कितने बिजी रहते हो, और उनको मेरी मम्मी ने भेजा था, क्योंकि मम्मी 2-3 दिन से बोल रही थी DTH को हिलाने के लिए, DTH का सिग्नल चला गया बारिश की वजह से, हवा पानी की वजह से। सो मैं अभी DTH को सही करने जा रहा हूँ और DTH को सही करता हूँ।
और फिर मैंने अपने फ्रेंड से थोड़ी बहुत गपशप की, 10-15 मिनट तक हम लोगों ने बातें की। और उनको जवान मूवी लेना था मेरे से, तो मैंने उनको जवान मूवी पेन ड्राइव दे दिया क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा था। और उनका कंप्लेन भी था कि यार कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते हो। तो यार एक्चुअली घर से बाहर अभी निकलना कम हो गया, सो मैं दिखाई नहीं देता। और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं और फिर मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। आज हमने 5 आवर्स के लेक्चर्स कंप्लीट किए, क्योंकि यार बीच बीच में सोल्यूशन भी होता है, क्वेश्चन भी होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो लेक्चर 1.5 घंटे के हैं उसको कंप्लीट करने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा होते सिनेरियो मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट मेरा आज भी सैलरी हट कम्प्लीट होने से रह गया। 3-4 कॉन्सेप्ट और अभी रह गए हैं, तो 1 दिन और हमें देना पड़ेगा और बाकी के क्वेश्चन भी तो करने। और फिर हम अपना MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, क्योंकि जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आज किए थे उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। उससे पहले मेरे दोस्त के बीच में क्वेरीज आ गया HP के रिगार्डिंग, जिसमें हॉस्पिटल क्वेश्चन थे वो नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्या उसका आंसर था। तो मैंने भी सॉल्व किया मेरे दोस्त, और मेरा आंसर सेम आ रहा था, बट जो PDF का आंसर था वो मैच नहीं कर रहा था उसके आंसर से। सो उस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, बट जो मेरा आज का था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, करीब 1.5 घंटे मैंने MCQ सॉल्व किया। आफ्टर उसके बाद इतना करने के बाद यार पूरा आज एग्जॉस्ट हो गया था, मैं 6 बज गया था, करते करते पूरा एनर्जी लो हो गया था। तो आज का दिन ऐसा ही रहेगा, रात में देखते हैं, पढ़ने का टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा, बट यार मन तो नहीं है आज। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही रहे, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।